मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में अंबाला नगर निगम में बजट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला के विकास के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा 135 करोड़ रुपए का बजट पास किया। बजट बैठक में शहर के विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्षदों ने हंगामा भी किया। पार्षदों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए, जिस पर निगम कमिश्नर ने सख्त एक्शन लेने का आश्वासन भी दिया। बजट बैठक में निगम कम्युनिटी सेंटर्स के कार्यक्रम करने के लिए रेंट कम करने का फैसला लिया गया। अब आम लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर्स का शुल्क 5100 रुपए और गरीब परिवारों के लिए 1100 रुपए किया गया है। इस दौरान बजट प्रति 13 करोड़ के गड़बड़ मिलने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अकाउंट ऑफिस में जमकर फटकार भी लगाई। देखिए, बहुत अच्छा बजट हमने तैयार करवाया है और काफ़ी सारी चीज़ों में एनहेंसमेंट भी हुई है और 156 करोड़ रुपए का बजट है, पिछली बार से ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद है कि इस साल, इस वर्ष हम जनता की अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे और डेवलपमेंट काम जो रुके हुए थे उनको अच्छी गति के साथ करवा सकेंगे। जी हाँ, देखिए, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो बहुत गरीब तबका है वो इतने पैसे नहीं दे पा रहा है, तो हमने उनको सहूलियत देने के लिए बीपीएल कार्ड्स के लिए 1100 रुपए का शुल्क रखा है और जो 11000 था उसको कम करके 5100 कर दिया है। देखिए, संतुष्टि के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, परंतु आने वाले समय के लिए हमारी प्लानिंग और सारी चीजें अच्छी हैं। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस एज ऑफ टुडे, पिछले 3-4-5 महीनों में पूरे निगम के सारे कर्मचारियों अधिकारियों ने थोड़ी मेहनत की है, तो उसके चलते आज की डेट में हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। और आने वाले समय के लिए हमने सभी को आश्वासन दिया है कि जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइप के, जो भी सारे जो हैं सिरे चढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे। आज कमिश्नर साहब ने ये कहा, मेयर मैडम ने, 1-1 करोड़ रुपए इमीडिएट एक महीने के अंदर सभी वार्डों में टेंडर लगाए जाएंगे और साथ ही जो सफाई की समस्या आप देख रहे हैं, ड्रेनेज भरी रहती थी, तो उसके लिए भी जो है आने वाले समय में कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। इसी में सभी पार्षदों ने सहमति जताई और कमिश्नर साहब ने और मेयर मैडम ने, सभी ने उसमें सहयोग दिया है। उनका बहुत बहुत